Welcome back to our YouTube channel. I am Shubhuti. Today I am going to teach you a new topic in the Indian Evidence Act, dying declaration. Actually, dying declaration जो है वो section 32 clause 1 में दिया हुआ है, लेकिन उससे भी पहले हमें section 32 को जानना होगा, क्योंकि dying declaration is a part of section 32. So देखते हैं क्या है ये चीज. सबसे पहले सेक्शन 32 को देखते हैं. केसेस इन विच स्टेटमेंट्स ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड एटसेट्रा इज रेलिवेंट. मतलब कुछ ऐसे केसेस, ठीक है, जिनमें रेलिवेंट फैक्ट्स का स्टेटमेंट दिया जाता है किसी ऐसे पर्सन के द्वारा जो कि जिसकी मृत्यु हो गई है, ठीक है, हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड, वो फाउंड भी नहीं हो सकता एटसेट्रा, वो रेलिवेंट होंगे इन कंडीशन में ऐसे स्टेटमेंट. सो अ स्टेटमेंट रिटन और वर्बल ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स मेड बाय अ पर्सन हु इज डेड हु कैन नॉट बी फाउंड हु हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस. ठीक है, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि रिटन है या वर्बल है किसी भी रेलिवेंट फैक्ट्स का किसी पर्सन के द्वारा बनाया जा रहा है, वो पर्सन कैसा होना चाहिए, डेड हो गया या मतलब मिल नहीं सकता या उसकी जो वो क्या होगा इनकेपेबल है एविडेंस देने में, एंड हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट अनरीजनेबल डिले और एक्सपेंस, और उसकी अटेंडेंस जो है प्रोक्योर नहीं की जा सकती विदाउट अनरीजनेबल डिले और एक्सपेंस के, इज रेलिवेंट अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. सो देखते हैं यहाँ पे कुछ 8 सर्कमस्टांसेस दी हुई हैं सेक्शन 32 में, उनको वन बाय वन देखते हैं. सेक्शन 32 क्लॉज 1 कहता है कि व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ, जब ये कॉज ऑफ डेथ से रिलेट करती है, मतलब कोई स्टेटमेंट है आपका किसी पर्सन ने दिया वो कॉज ऑफ डेथ बता रहा है, ठीक है. एक्चुअली सेक्शन 32 क्लॉज 1 डाइंग डिक्लेरेशन की बात करता है. सेक्शन 32 क्लॉज 2 व्हेन इट मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, जब ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई स्टेटमेंट हमने दिया है, ठीक है. सेक्शन 32 क्लॉज 3 कहता है व्हेन इट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर, जब ये मेकर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट बनता है कोई स्टेटमेंट. सेक्शन 32 क्लॉज 4 कहता है व्हेन इट गिव्स ओपिनियन एज टू पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट के बारे में अगर कोई स्टेटमेंट बात कर रहा है तो वो रेलिवेंट होगा. सेक्शन 32 क्लॉज 5 कहता है व्हेन इट रिलेट्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, किसी रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस के बारे में है कोई भी स्टेटमेंट. सेक्शन 32 क्लॉज 6 कहता है व्हेन इट इज मेड इन विल और डीड रिलेटिंग टू फैमिली अफेयर्स. सेक्शन 32 क्लॉज 7 कहता है व्हेन इट इज इन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन मेंशन इन सेक्शन 13 क्लॉज ए में, जो ट्रांजेक्शन के बारे में बात की गई है तो उससे अगर रिलेट करता है. सेक्शन 32 क्लॉज 8 कहता है व्हेन इट इज मेड बाय सेवरल पर्संस एंड एक्सप्रेस फीलिंग्स रेलिवेंट टू मैटर्स इन क्वेश्चन. सो दीज आर सम सर्कमस्टांसेस. अब हम देखेंगे अपना डाइंग डिक्लेरेशन. सो अब तक हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन जो था वो कंप्लीट हो गया, हमने सेक्शन 32 को वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया. अब आते हैं डाइंग डिक्लेरेशन पे. हमें यहाँ पे मीनिंग बताना है सबसे पहले, फिर उसके एसेंशियल्स को हम डिस्कस करेंगे, उसकी एडमिसिबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन क्या है उसको देखेंगे, एविडेंशरी वैल्यू को देखेंगे एंड रेलिवेंट केसेस को हम यहाँ देखेंगे. तो अगर आप अपने आंसर में इस तरीके से लिखोगे तो उसको जो एग्जामिनर है उनको पता चलेगा कि आपने अपने आंसर में किस किस चीज़ को मेंशन करा है, ठीक है. लाइक सिनॉप्सिस जैसे होती है ना, उस तरीके से मीनिंग ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो क्या है, मीनिंग क्या है डाइंग डिक्लेरेशन का. एक्चुअली डाइंग डिक्लेरेशन एक स्टेटमेंट है, हम पहले भी पढ़ चुके सेक्शन, मतलब अभी हमने इंट्रोडक्शन में देखा सेक्शन 32 क्लॉज 1 यही बात करता है कि एक स्टेटमेंट है, आप ओरल बनाते हो वो स्टेटमेंट या फिर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में करते हो, मेड बाय अ पर्सन हु हैज डेड, ठीक है, जो कि मृत है, मर चुका है. अब वो पर्सन, वो मृत व्यक्ति अपनी डेथ की कॉज के बारे में क्या कारण था एंड क्या सर्कमस्टांसेस थी, क्या परिस्थितियां थी, उनके बारे में बताया था है मरने से पहले, शॉर्टली बिफोर हिज डेथ,
तब हम कहते हैं कि उसने क्या बनाया, वो जो स्टेटमेंट दिया वो डाइंग डिक्लेरेशन होगा। ठीक है, सेक्शन 32 क्लॉज 1, व्हेन अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉजेज एंड सर्कमस्टांसेस। ठीक है, ये चीज यहाँ आ गई, कॉजेज और सर्कमस्टांसेस के रिगार्डिंग ऑफ डेथ, अपनी ही डेथ की, द स्टेटमेंट इज कॉल्ड डाइंग डिक्लेरेशन। तो वो क्या कहलाया जाएगा स्टेटमेंट, डाइंग डिक्लेरेशन कहलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे एक पर्सन है, राम है। ठीक है, राहुल ने राम पे अटैक किया जिससे राम की मृत्यु हो जाती है। अब राम मरने से पहले, शॉर्टली बिफोर द डेथ, एक डिक्लेरेशन करता है कि राहुल रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इंजरीज। तब उसने जो भी कहा राम ने अपने इस डिक्लेरेशन में, ठीक है, वो चीज यहाँ पे क्या आएगी, डाइंग डिक्लेरेशन हो जाएगी। अब इसके एसेंशियल्स देख लेते हैं। अब डाइंग डिक्लेरेशन के एसेंशियल्स हैं, एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ओरल होगा या फिर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होगा, वो रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होगा, कॉजेज ऑफ हिज डेथ या फिर सर्कमस्टांसेस विच रिजल्ट ऑफ इन टू हिज डेथ। ठीक है, डेथ ऑफ पर्सन इज मस्ट, पर्सन की डेथ होना बहुत जरूरी है डाइंग डिक्लेरेशन में, फियर ऑफ डेथ इज नॉट नेसेसरी। इंडियन एविडेंस एक्ट में फियर ऑफ डेथ जरूरी नहीं है, कॉजेज ऑफ डेथ मस्ट बी इन क्वेश्चन, मतलब कि जो कारण है डेथ का वो या तो सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में होना ही चाहिए। यहाँ पे कुछ केस लॉज आ जाते हैं। पहली कंडीशन जो है केस लॉ की वो ये है, सर्कमस्टांसेस ऑफ एनी ट्रांजेक्शन विच रिजल्टेड इन डेथ। ठीक है, किसी मतलब ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जिसका रिजल्ट जो है डेथ में कन्वर्ट हो गया है। इसका केस लॉ है पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का केस लॉ था। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो स्टेटमेंट बनाया गया डिसीज्ड पर्सन के द्वारा उसकी वाइफ को, कि दैट ही वाज गोइंग टू द अक्यूज्ड प्लेस टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिम, वाज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 1, कि जो अक्यूज्ड के घर गया वो या उसकी जगह पे गया जो व्यक्ति है, उसने ये स्टेटमेंट बनाया कि वो अक्यूज के प्लेस पे गया था मनी कलेक्ट करने उससे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे एडमिसेबल मानी गई। अब आता है हमारा एडमिसिबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन क्या है। ठीक है, सो जनरल रूल तो ये है कि हियरसे एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस। हमने रेसिगस्टे में पढ़ा तो वहां भी हियरसे एविडेंस एक्सेप्शन था। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हियरसे एविडेंस इज एन एक्सेप्शन, सेक्शन 32 और 33 जो है हियरसे एविडेंस के लिए एक एक्सेप्शन हो जाते हैं। ठीक है, इस जनरल रूल के, सो डाइंग डिक्लेरेशन इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन। अब रीजन क्या है इसकी एडमिसिबिलिटी का, पहला रीजन तो है नेसेसिटी, प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी, एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल नेमो मॉलिटूरस प्रेज्यूमिटो मेंटरी, मतलब कि नो पर्सन विल डाई विद अ लाई ऑन हिज लिप्स, कोई भी पर्सन ऐसे नहीं मरेगा मतलब झूठ के साथ नहीं मर सकता, लास्ट टाइम पे वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। ऐसा बोला भी जाता है कि जो एक व्यक्ति है वो मरने वाला है तो वो कैसे झूठ बोल सकता है। दूसरा केस लॉ यहाँ पे है सुधाकर एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था, 17 जुलाई 2000 का केस था। अब इसमें क्या हुआ था, वही डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी एज इन मैनी केसेज विक्टिम इज द ओनली आई विटनेस एंड डिस्कार्डिंग दियर स्टेटमेंट वुड डिफीट द जस्टिस। ओके, तो ये एक दूसरा केस लॉ आ जाता। नेक्स्ट केस जो है हमारा वो है उकाराम वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का था, AIR 2001 का केस था। ठीक है, यहाँ पे बोला गया वेन अ पर्सन इज नियर डेथ एंड हिज होप इज गोन फॉर दिस वर्ल्ड देन इट इज पावरफुल कंसिडरेशन दैट ही विल बी स्पीकिंग द ट्रूथ। ठीक है, कि मतलब कोई पर्सन डेथ के बहुत करीब है और उसकी जो होप है जीने की वो जा चुकी है। ठीक है, तो उस टाइम पे ये क्या करा जाता है, पावरफुल कंसिडरेशन होता है कि वो मरने से पहले सच ही बोलेगा। तो कोर्ट ने हेल्ड किया था डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिटेड अपॉन कंसिडरेशन इज मेड इन एक्सट्रीमिटी। इंडियन लॉ रिकॉग्नाइजेस दिस फैक्ट दैट अ डाइंग मैन सेल्डम लाइज।
नाउ अब हम देखते हैं एविडेंशियल वैल्यू क्या है. सो एविडेंशियल वैल्यू इसकी कुछ इस तरीके से है. डाइंग डिक्लेरेशन इज अ सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस है. ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, एक सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस है. एंड इट मे बी अ सोल मोटिव, डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स. कैसे, द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू द डिक्लेरेंट फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन. अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होनी चाहिए डिक्लेरेंट के पास ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए. द कैपेसिटी ऑफ डिक्लेरेंट टू मेक ऑब्जर्वेशन, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए डिक्लेरेंट की. नंबर ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, द कोहरेंस एंड नेचुरलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन. ठीक है, नेचुरलिटी होनी चाहिए. टाइम एंड प्लेस वेयर द डाइंग डिक्लेरेशन वॉज मेड. ठीक है, टाइम और प्लेस क्या था जब डाइंग डिक्लेरेशन बनाया गया था. एंड पॉसिबिलिटी ऑफ टॉर्चिंग बाई इंटरेस्टिंग पर्सन एंड अदर रेलिवेंट फैक्ट्स टू. तो दीज आर दी एविडेंशियल वैल्यूज. अब हमारे कुछ रेलिवेंट केस लॉज आते हैं. कुशाल राव वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे का था ये, 1958 का, सुप्रीम कोर्ट का. सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट देयर इज नीदर रूल ऑफ लॉ नॉर प्रूडेंस विच स्टेट्स दैट डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट फॉर्म द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन अनलेस इट इज कॉरोबरेटेड बाय इंडिपेंडेंट एविडेंस. सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि ना तो ये रूल ऑफ लॉ है ना ही कोई प्रूडेंस है जो कि स्टेट करता हो कि डाइंग डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं कर सकता एक सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन के लिए. ठीक है, जब तक कि उसके साथ कोई इंडिपेंडेंट कॉरोबोरेटेड कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस के द्वारा ना किया गया हो. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अ ट्रू एंड वॉलेंट्री डिक्लेरेशन जो भी की गई है नीड्स नो कॉरोबोरेशन, उसको कॉरोबोरेशन की जरूरत ही नहीं है. इट इज नॉट अ वीकर काइंड ऑफ एविडेंस, ये कोई वीकर काइंड ऑफ एविडेंस तो है नहीं. ठीक है, नेक्स्ट केस था हमारा पुरुषोत्तम चोपड़ा का वर्सेज स्टेट, 2020 का केस है, रिसेंट केस लॉ है ये. इसको लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आप अपने आंसर राइटिंग में जितने रिसेंटली जो भी जजमेंट्स आए हैं अगर उनको अपने आंसर राइटिंग में मेंशन करोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए. पानीबेन वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात, इन दोनों ही केस लॉ में, ये 1992 में आया था सुप्रीम कोर्ट का. सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट इफ अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट सेटिस्फाइज ऑल द क्राइटेरिया ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट है और वो सेटिस्फाइज करता है पूरा जितने भी क्राइटेरिया हैं डाइंग डिक्लेरेशन के सबको सेटिस्फाइज करता है, इट कैन नॉट बी डिस्कार्डेड मेयरली बिकॉज इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर. आप उसको इस बेस पे डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि वो किसी मजिस्ट्रेट के या पुलिस ऑफिसर के सामने रिकॉर्ड नहीं किया गया था. ठीक है, डिड नॉट ऑब्टेन अटेस्टेशन बाय एनी पर्सन प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द स्टेटमेंट. तो आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि जब ये रिकॉर्ड किया गया था कि कौन सा मजिस्ट्रेट था या फिर कोई पुलिस ऑफिसर था या नहीं, तो इस बेस पे आप उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते. नेक्स्ट केस था क्वीन एम्प्रेस वर्सेज अब्दुल्ला का केस था, जिसमें स्टेटमेंट मेड बाय साइंस एंड नॉड्स एडमिसिबल करा गया, मतलब जेस्चर के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, स्टेटमेंट बना सकते हो और उसके बेस पे ही कन्विक्शन मिल सकता है अक्यूज को. मकसूदन वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का केस था, जिसमें कहा गया यूज ऑफ स्टेटमेंट व्हेन इंजर्ड सर्वाइव्स एज अ कॉरोबोरेटिव स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 147 एंड 157. कॉरोबोरेटिव स्टेटमेंट वो होते हैं एज अ सपोर्टिव एविडेंस. ठीक है, तो जब आपका ये क्वेश्चन आता है, मेनली ये क्वेश्चन आता है कि जब कोई इंजर्ड पर्सन है वो मरने वाला था लेकिन वो सर्वाइव कर जाता है, तब क्या होगा, तब उसने जो डिक्लेरेशन करी क्या वो रेलिवेंट होगी या नहीं. तो वो रेलिवेंट होगी बट एज अ कॉरोबोरेटिव एविडेंस वो यूज होगी. ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था आज का, डाइंग डिक्लेरेशन. आई होप आप, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल and be tuned with us for more interesting upcoming videos.